हे हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। मेरा नाम है शुभम झा एंड आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द सीबीएसई केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड द थर्ड चैप्टर फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड। देखो, दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कुछ चीजें हमें डिटेल में, महाराष्ट्र बोर्ड वालों को डिटेल में, एंड कुछ चीजें सीबीएसई वालों को थोड़े कम डिटेल में, लाइक दैट। दिस इज लाइक वाइस वर्सा। ओके, सो इस टॉपिक के काफी सारे चैप्टर्स हैं एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक्स। तो आप पहले देख सकते हो, कैन यू रिकॉल करके मैंने कुछ लिखा, वाटर एलिमेंट्स, वाटर कंपाउंड, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड व्हाट इज वैलेंसी। आप इसका जवाब सोचिए, कमेंट में लिखिए। तब तक मैं प्ले करता हूँ जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन एंड फिर मैं ये सीक्रेट रिवील करूंगा। सो हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इसमें सभी केमिकल रिएक्शंस के बारे में समझना है, केमिकल इक्वेशंस के बारे में समझना है। तो वी विल स्टार्ट, दो तीन पार्ट में इस चैप्टर को खत्म करेंगे, बट वी विल गो विथ वेरी बेसिक्स। एंड रिमेम्बर, इस चैप्टर का सबसे हार्ड पार्ट क्या पता है? हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड आई विल गिव यू अ वेरी गुड मेथड टू बैलेंस इट, द बेस्ट मेथड। ठीक है, जिससे आप बैलेंस करोगे ना, विद इन 30 सेकेंड्स आप कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। यस, आई विल गिव यू दैट, बट इन नेक्स्ट वीडियो। उससे पहले हमें सब बेसिक्स क्लियर करना है, ठीक है, कि हम इस रिएक्शन वाले चैप्टर को ना अच्छे से समझे। 12th स्टैंडर्ड में भी ना रिएक्शन, केमिकल्स रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो आप उसको अच्छे से समझो। आपको बेसिक मजबूत करने का दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सो इस वीडियो को पूरा देखना। तो देखो, कैन यू रिकॉल, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कैन यू रिकॉल। और मैंने ना इस कैन यू रिकॉल में ना कुछ तो ऐसे कुछ तो बनाया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। यस, मैंने एक एलिमेंट लिखा है। मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर द एलिमेंट, ये आपका काम है, आप कमेंट करिए, मैं नहीं बताने वाला ये। यस, मैंने कहा है कि इंट्रोडक्शन में मैं सीक्रेट को रिवील करूंगा इसके बाद, बट नहीं, ये आपका काम है। व्हाट इज कंपाउंड, देखो अगर आपको एक बार एलिमेंट समझ में आ गया ना, तो कंपाउंड आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि व्हेन मोर, चलो मैं बता देता हूँ, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ कंपाउंड। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं ना, तो उसे कंपाउंड कहते हैं। चलो, व्हाट इज मॉलिक्यूल, देखो डायग्राम भी दिखाया दोस्तों, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि मॉलिक्यूल क्या है। आपको क्या लगता है मॉलिक्यूल क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पानी की बूंद मैंने दिखाई है ना, आप इसी चीज को समझो, वाटर एक कंपाउंड है। कैसे? कंपाउंड का एग्जाम्पल मैं कहता हूँ H2O। मैं क्यों कह रहा हूँ H2O? क्योंकि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जो दो बार है, इसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया, क्योंकि मोर देन टू एलिमेंट्स है ना, तो ये कंपाउंड हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो एलिमेंट्स है ना। तो अब इस देखो, यहाँ पे एक एच टू है, यहाँ पे दो एच टी ओ, यहाँ पे तीन एच टू, और यहाँ पे चार। मैं लिख दू क्या, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, राइट? एक एच टू ओ, दो एच टी ओ, तीन एच टू ओ एंड चार एच टू ओ। तो इस तरीके से करके कितने हो गए टोटल? चार पानी के मॉलिक्यूल हो गए। सो दिस इज मॉलिक्यूल। ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड इट्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। मैं सर पेन का साइज बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। यस, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। दोस्तों अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, वैलेंसी। ठीक है, यहाँ पे मैंने बात की है वैलेंसी की। तो व्हाट इज मीन बाय वैलेंसी, आपको अब मैं बताता हूँ। वैलेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट। जैसे ये वाला देख लो, ये वाला जो एलिमेंट, इसके लास्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन में कितना है? एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। ये हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 2 हो गई। ये देखो, ये कार्बन में कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। इसमें कितने हैं? ये क्या है, ये जो भी है देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 8 हो गई। सो दिस इज कॉल्ड वैलेंसी। इसको हम क्या कहते हैं? वैलेंसी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट। ये देखो दोस्तों, ये ना काफी बेसिक्स था जो मैंने पिछले चैप्टर में भी बात की थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बच्चा है, अब इसको कंफ्यूजन हो रहा है, इस बच्चे का नाम रखते हैं आज हम लोग। इस बच्चों का नाम, बच्चे का नामकरण करेंगे दोस्तों आज, और इस बच्चे का नाम मैं रखूंगा बंटू। क्या बोलते हो? BNTU। आगे से पूरे साइंस में, पूरे केमिस्ट्री में बंटू हमारा साथ देगा, तो मजे की बात है ना। तो बंटू को डाउट है, बंटू को क्या है, क्वेश्चन मार्क हो रहा है कि सब बेसिक क्लियर है भैया मेरा, बट व्हाट इज केमिकल? केमिकल क्या होता है? घर में बने बहुत देखा है, एसिड फैसिड सब बोलती है केमिकल है, पर केमिकल का डेफिनेशन क्या होता है भैया? व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर रिएक्शन? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन देन? एंड व्हाट इज, हाउ टू राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मंटू को डाउट है, मंटू का डाउट अब क्लियर कर दोगे? आपने ये सब सीखा है ना 9th स्टैंडर्ड तक। तो केमिकल मतलब रसायन, कन्वर्ट करके बता दिया। रिएक्शन मतलब जब दो चीजें एक दूसरे से रिएक्ट करती है तो रिएक्शन हो जाता है। एंड केमिकल
केमिकल रिएक्शन मतलब जो केमिकल एक दूसरे से रिएक्ट कर रही है। रिएक्शन मतलब क्या, जैसे मुझे किसी ने आके कुछ बोला और मैंने उसको चिल्ला दिया, ये मेरा रिएक्शन था। ठीक है, केमिकल रिएक्शन मतलब दो केमिकल्स ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लिया। एंड हाउ टू राइट मॉलिकुलर फॉर्मूला, तो सिंपल सा है, जैसे पानी देखो H+O गिव्स H2O, तो यहाँ पे कितना ये दो चाहिए। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे H2O। नहीं, दिस इज द नॉट द राइट मेथड। ओके, आपने 9th में पढ़ा है, 9th वाली चीजों को ना एक बार रिवील करो या मेरे 9th स्टैंडर्ड के वीडियोस देखो। ठीक है, आपको ये सवालों का जवाब मिल जाएगा। बट मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, लेट्स गो डाउन। ठीक है, नहीं यहीं पे समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन जब होता है ना दोस्तों, तो मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है। क्या होता है केमिकल रिएक्शन, जब आगे भी मैंने इस चीज को मेंशन किया, बट यहाँ पे हम लोग समझते हैं, व्हेन एवर अ केमिकल रिएक्शन ऑकर्स देयर सम मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ बॉन्ड्स बनते हैं एंड कुछ बॉन्ड्स का ब्रेकअप हो जाता है, कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो बंटू को कुछ सवालों का जवाब तो मिल गया है। जैसे ऊपर हमने समझा मॉलिक्यूल्स कैसे लिखते हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ लिख करके बैलेंस वे में, और तो केमिकल बैलेंस करने, केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना हम आगे सीखेंगे। तो चलो बंटू के डाउट्स को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में, और ये जो बंटू के डाउट्स है ना, इसको हम आगे चल के धीरे धीरे सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो, अब बात कर ली है चेंजेस की, तो अब चेंजेस मतलब क्या होता है, चेंजेस मतलब बदलाव। दोस्तों ये जो मैंने लिखा है ना चेंजेस, चेंजेस का मतलब होता है बदलाव। ठीक है, तो चेंजेस दो टाइप के हो सकते हैं, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। आप बताओ आपके दोस्त कब बदले थे, जब उनकी जिंदगी में कोई, आप समझ गए ना। ठीक है, बदलते हैं, लोग बदलते हैं, केमिकल्स भी बदलते हैं, रिएक्शंस भी बदलते हैं। चलो आगे देखते हैं, तो फिजिकल चेंज होता है एक, जो कि टेम्पररी होता है। आपके दोस्त कभी कभी टेम्पररी भी बदलते हैं, राइट, एंड कभी कभी परमानेंटली बदल जाते हैं। भाई बदल गया वो, ठीक है, जग सुना सुना लगे। तो आप याद रखो केमिकल, एक होता है फिजिकल चेंज जो कि टेम्पररी होता है, और एक होता है केमिकल चेंज जो परमानेंट होता है। ठीक है, आप रिलेट करो थोड़ा सा, मैं ज्यादा खुल के नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो केमिकल चेंज कैसा होता है, परमानेंट होता है, फिजिकल चेंज इट्स टेम्पररी चेंज। ओके, लेट्स गो फर्दर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा एक डेफिनेशन मैंने लिखा है, इस डेफिनेशन को आप देखिए। और देखिए, अ फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन पैरामीटर्स, कुछ चीजों में बदलाव होने के कारण, जैसे कि प्रेशर एंड टेम्परेचर, इसको कहते हैं फिजिकल चेंज। जैसे आपके दोस्त को अगर आप अपने टिफिन में से कुछ नहीं खिलाते या फिर आप कुछ ट्रीट उसको नहीं देते, तो उस पैरामीटर्स के कारण उसके अंदर टेम्पररी चेंजेस आते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो ये यहाँ पे केमिकल में, केमिकल रिएक्शन में फिजिकल चेंज कब होता है, जबकि प्रेशर एंड टेम्परेचर में कुछ चेंजेस आए। ओके दोस्तों, तो अब देखो फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल। मैं क्या कह रहा हूँ, फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल। एग्जाम्पल दिखा रहे हो, आप देख रहे हो स्क्रीन पे नीचे एग्जाम्पल है। हाँ हाँ बताऊंगा बताऊंगा, डोंट वरी। व्हेन द कंपोजिशन ऑफ द मैटर चेंजेस इट्स केमिकल चेंज, अ केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल। मैंने केमिकल चेंज में यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, जब कॉम्पोजिशन ऑफ द मैटर चेंजेस, मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉम्पोजिशन, आपके दोस्त की जिंदगी में कोई और आ चुका है। ठीक है, व्हेन द कॉम्पोजिशन, जिस चीज से बना हुआ है, व्हेन द कॉम्पोजिशन ऑफ द मैटर चेंजेस इट इज केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, बदला हुआ दोस्त वापस नहीं बदलता। ठीक है, तो चलो अब एक एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का, ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, मैंने फिजिकल चेंज का एक एग्जाम्पल लिया। यहाँ पे आप देख रहे हो ये आइस है बेसिकली। ठीक है, और मैंने थोड़ा फनी बनाने का कोशिश किया है, बंटू को भी लिया है ना, ये बंटू ने कुछ आइस रखा है और उसपे हाय गर्मी, नोरा फतेही, नहीं, दिस इज सन, हाय गर्मी, हीट दे रहा है, क्या दे रहा है, हीट दे रहा है। अब ये क्या हो रहा है, गर्मी के कारण ये पिघल रहा है, देखो कैसे दिख रहा है, ओ नोरा हाय गर्मी, और ये देख रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली किसमें कन्वर्ट होते जा रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, और भाई ना पानी पानी हो गया, पानी पानी हो गया, और गर्मी दे दी इसको, और गर्मी दिखा दिया इसको, तो ये वेपर बन गया। क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया वेपर। ठीक है, तो ये जो चेंजेस है, अब देखो, अब इस वेपर को अगर हम लोग कंडेंस करेंगे, देखो मैंने फ्रीज दिखाया लेकिन अब फ्रीज मत समझना, मैं कंडेंस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एरो को देखो ना आप, एरो को देखो, एरो को ये वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वाटर को अगर वापस हम फ्रीज करेंगे, यस, इस वाटर को अगर आप वापस हम फ्रीज करेंगे तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सर रिवर्सिबल ना, आइस को वाटर, वाटर को वेपर, वेपर को वाटर, वाटर को आइस, दिस आर रिवर्सिबल चेंज एंड दिस आर फिजिकल चेंज। यहाँ पे क्या हो रहा है, खाली फिजिकल स्ट्रक्चर में एक सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है, तीसरा गैसियस है, बस इतना ही हो रहा है ना, दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। इससे अच्छा एग्जाम्पल बता सकता हूँ आपको, जब भी ये फिजिकल चेंज समझना होगा तो आपको याद करना है गर्मी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें हैं, ठीक है, मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है, सब कुछ नहीं बताऊंगा, यहाँ पे कुछ चीजें हैं
जिसे हमें समझना है कि कौन से फिजिकल चेंजेस है एंड कौन से केमिकल चेंजेस है। एंड इस वीडियो को छोटा रखने के लिए इस चैप्टर को हम इसके बाद खत्म कर, चैप्टर को नहीं, इस वीडियो को यहाँ पे हम खत्म कर देंगे। और ये जो चीजें देख रहे हो ना, केमिकल रिएक्शन वगैरह 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 वगैरह, बहुत छोटा सा चैप्टर लिखा, बहुत छोटा किया मैंने इस चैप्टर को, एज स्मॉल एज पॉसिबल किया एंड एज मीनिंगफुल एज पॉसिबल बनाया मैंने इसको। तो चलो देखते थे दोस्तों कि फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में कुछ चीजें समझते हैं। ठीक है, आप बताओ कौन से कलर का पेन ले लो। ओ, वीडियो तो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, कैसे बताओगे? रेड कलर ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, सर अभी बताया ना सर, हाई गर्मी, दिस इज अ फिजिकल चेंज, दिस इज नॉट अ केमिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, सोचो आपकी मम्मी ने चावल बना दिया, अब चावल को वापस, मतलब मान लो रोटी बना दिया, ठीक है, अब उसको गेहूं बना सकती है वापस ना? दिस इज ऑल्सो एक्चुअली ये केमिकल चेंज है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट, आपके पप्पा ने एक पका हुआ आम लाया, आपके पप्पा ने घर पे एक पका हुआ आम लाया, क्या आप उसको वापस कच्चा आम बना के उसका अचार बना सकते हो? नहीं। सो दिस इज अ केमिकल चेंज, शाबाश। ठीक है, मिल्क टर्न इनटू कर्ड, आपने दूध का दही कर दिया, आपके दिमाग का अक्सर दही हो जाता है, लेकिन आपके दिमाग का जब दही होता है ना, तो वापस दिमाग हो जाता है, इट्स अ फिजिकल चेंज। ठीक है, बट आपने दूध का दही बना दिया, क्या आप वापस उसको बना पाओगे? दूध बना के दिखाओ, नहीं, देन दैट्स आल्सो अ केमिकल चेंज। ठीक है, दिमाग की दही नहीं, दूध का दही कर रहे थे हम। ठीक है, इवापोरेशन ऑफ वाटर, अभी अभी समझा था कि पानी जब वेपर बन जाएगा उसको कंडेंस करके वापस हम पानी बना सकते हैं, तो ये एक फिजिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड इनटू स्टमक, देखो बहुत ही फनी एग्जांपल, आपने जो खाना खाया वो आपके फूड में डाइजेस्ट होकर एनर्जी बन चुका है, अब वापस खाना निकाल के बताओ, आपको पता है क्या निकलता है? खाना तो नहीं निकलता, तो ये क्या है? इट्स अ केमिकल चेंज। साइज रिडक्शन ऑफ नेफ्थेला बॉल्स एक्सपोज टू एयर, अरे बहुत लोग को ना ये नाम ही सुन के ऐसा लगता है कि कौन से रॉकेट का नाम ले रहे, नेफ्थेला बॉल। अबे तुम्हारे स्कूल के बाथरूम के कंबड़ में कुछ गोलियां रखी हुई है, फिनाइल की गोलियां, आप अपने गोदरेज में रखती हो, दैट इज नेफ्थेला बॉल, कुछ भी नहीं सोचने का। ठीक है, तो नेफ्थेला बॉल एक्सपोज टू एयर, एक बार वो पूरा एक बार प्रोडक्ट हो जाएगा तो वापस आएगा? ये आप सोचो, ये आप सोचो, ये आपके लिए क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला था, सब कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सोचो कि ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे चल के, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, स्टेनिंग ऑफ शाहबादी और खड़प्पा टाइल बाय लेमन जूस, आपके पास एक टाइल्स है, ठीक है, खड़प्पा, उस पे आप नींबू गिराते हो और वो उसका स्टेनिंग हो जा रहा है, ये क्या है? ये भी आप सोचो। ठीक है, सब बोलोगे सर छोटा छोटा सा एग्जाम्पल सब बता दिया और लास्ट वाले से बड़े बड़े में बोल रहे हो, आप सोचो, आप सोचो। नो दैट्स नॉट द रियल रीजन, आई वॉन्टेड यू टू डू रिसर्च, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा रिसर्च करो, गूगल करो और इसका आंसर ना कमेंट करो, आप वीडियो देख रहे हो ना, कमेंट करो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर होमवर्क असाइनमेंट, जो समझना समझो। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, देखो ये भी आपका होमवर्क है, ये तो आप पक्का बता देना। ठीक है, एक कांच का टुकड़ा था जो आसमान से गिरा, जमीन पे गिरा, आसमान से टपका, जमीन पे गिरा और टूट गया, इसका क्या होगा? ये केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है? सोचो, सोच के देखो, दिल टूटने की बात नहीं कर रहे बच्चों, दिल टूट गया, दिस इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, आपका दिल टूटता वापस लग जाते दूसरे दिन, ठीक है, तो दिल टूटने की नहीं बात कर रहा, कांच टूटने की बात कर रहा हूँ, शीशा जब टूटता है तो आवाज जरूर होती है, तो आप मुझे बताओ इट्स अ फिजिकल चेंज और इट्स अ केमिकल चेंज। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। तो बेसिकली मैंने ये तीन चीजों को आपको होमवर्क दिया है, और ये होमवर्क कहाँ सबमिट करना है? कमेंट में। ठीक है, ये होमवर्क कमेंट करके सबमिट करना है, अभी वीडियो देखते देखते ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, रिसर्च करो साइड में और फट से करो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा और मैं इतने फनी तरीके से सिखाऊंगा आपको। ठीक है, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है ऐसे फनी तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, कैसे क्या होता है एंड बहुत सारी चीजें, राइटिंग केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, कुछ रूल्स होते हैं वगैरह वगैरह, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ ऑल द वीडियो, जब ये चैप्टर खत्म होगा ना, आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ नोट्स, ये जो ऐसे नोट्स है ना, इससे और अच्छी तरीके से आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, विच विल बी द लिंक टू द डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक कहाँ होगा? डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप उस नोट्स को बस लास्ट में, अभी नहीं, लास्ट तीन चार वीडियोस में ये खत्म हो जाएगा, इन लास्ट वी विल डू दैट एंड तब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा बैटरी भी डाउन हो रहा है पीसी का। इस चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने जो भी क्वेश्चन पूछा उसका कॉमेंट करके आंसर दीजिए। ठीक है,
लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और आपको जो मन करे वो कर दीजिए इस चैनल के साथ। बस अनसब्सक्राइब मत करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एंड दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम इसके आगे वाले पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।